हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड सेल बुक में। दोस्तों, अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करने वाले हैं तो मैं गुजारिश करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को अभी जो है छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप ऑनलाइन इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी अननोन वेबसाइट के अंदर या फिर किसी भी अननोन एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको जो है क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का जो है प्रॉब्लम आगे फेस करना जरूर पड़ सकता है। आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके साथ हो सकती है, और इन सारी चीज़ों से आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्या जो है ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप ऑनलाइन इंस्टेंट पर्सनल लोन किसी भी अननोन किसी भी ट्रस्टेड वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन के अंदर से जो है लोन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहे वीडियो के साथ, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक माइंड सेल बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। उससे यह होगा जब कभी इस चैनल के ऊपर आप सभी के लिए कोई नई वीडियो पब्लिश होगी उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फ़ोन के ऊपर आपको मिल जाएगी, और आप उस नोटिफिकेशन के जरिए माइंड सेल बुक यूट्यूब चैनल की सभी नई वीडियो को आसानी से देख पाइएगा। दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी माइंड सेल बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ऑनलाइन इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर या फिर किसी भी अननोन एप्लीकेशन के अंदर, तो आपके साथ इन फ्यूचर जो है क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये वीडियो आप सभी को इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी लोन एप्लीकेशन और वेबसाइट के बारे में आप सभी को बताया है। मैं उन सारे वेबसाइट और लोन एप्लीकेशन के बारे में पहले जो है स्टडी करता हूँ, उसके बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आप सभी के रिसीव होते हैं जहाँ पर आप सभी के बहुत सारे प्रॉब्लम जैसा कि आपने फेस किया है उन सारी चीज़ों के बारे में आप जो है बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप ऑनलाइन इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है, इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, आप यहाँ पे ऑनलाइन इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उस वेबसाइट एप्लीकेशन के अंदर आप अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है फिल करते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस और आपका बहुत सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें आप एक्चुअल वहाँ पे डालते हैं ताकि वहाँ से आपको लोन मिल जाए। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड वेबसाइट है, जो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन बहुत ही आसानी से देती है और आपके उन डेटा को जो है सिक्योर करती है, क्योंकि इस डेटा के ऊपर बहुत सारे लॉ धीरे धीरे इंडिया के अंदर बन रहे हैं कि उस डेटा को कहीं पे भी वो यूज़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोन एप्लीकेशन और वेबसाइट हैं, क्योंकि लोन एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी इंडिविजुअल बंदा इन एप्लीकेशन और वेबसाइट को आसानी से बिल्ड कर सकता है सिर्फ 1 से 2 घंटे के अंदर। वहाँ पर उन सारे लोगों का मोटो ये होता है कि यहाँ पे आपके उस इन्फॉर्मेशन को जो है कलेक्ट करना, और उस इन्फॉर्मेशन को बहुत अलग अलग तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहली बात दोस्तों, इन चीज़ों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप जब भी माइंड सेल बुक यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो को वॉच करते हैं या फिर किसी भी लोन प्रोवाइडर या फिर कोई भी वीडियो जो है वॉच करते हैं और उसके कमेंट में आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी रहते हैं कि अगर आपको बस कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है लोन चाहिए तो प्लीज़ इस नंबर पर कॉल करें। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सारी चीज़ों से आप दूर रहें, उस नंबर पे जो है ना ही कॉल करें और ना ही आप सोचें कि आपको बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के ऊपर कहीं से भी लोन मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जिनको इंस्टेंट पर्सनल लोन की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, और अगर कोई उन्हें बोलता है कि मैं आपको जो है लोन कहीं से भी दिला दूंगा, मुझे जो है इतना आपको पे करना होगा, तो वो बंदा चूँकि उसको लोन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है वो उस पैसे को जो है दे देता है, और वो ये सोचता है कि बस थोड़े से पैसे लगने हैं, अगर ये पैसे मैं दे देता हूँ तो आप मुझे जो है इंस्टेंट पर्सनल लोन आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे उस पैसे को आप देते हैं आपको वहाँ से कोई भी लोन जो है नहीं मिलता है, और अगर आपने वो पैसे किसी और से लेके दिए हैं तो आपको वो लोन ऑलरेडी जो है देना है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। अब यहाँ पर बात करते हैं उस डेटा के बारे में जो आपने ऑनलाइन फीड किया है। अब दोस्तों, यहाँ पे जब आप किसी भी अननोन वेबसाइट और एप्लीकेशन के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन को फीड करते हैं, उस
डेटा को ऑनलाइन जो है सेल किया जाता है, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपके डेटा को जो है सेल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोन प्रोवाइडर हैं जो कि उस डेटा को अच्छे से यूज करते हैं, आपको जो है अपने लोन के ऑफर्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तो ये एक वैलिड तरीका है आपके उस डेटा को यूज करने का। यहाँ पे ऐसा करने से आपको कोई जो है नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आपको कोई ऑफर फ़ोन के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू रिसीव होता है, अगर आप उस पर एक्शन लेते हैं, अगर कोई ट्रस्टेड एप्लीकेशन और वेबसाइट है, तो आपको वहाँ से उनका फीडबैक जो है ज़रूर मिलेगा। वहीं पे दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोन प्रोवाइडर हैं जो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन देने का जो है दावा करते हैं और आपके साथ फ्रॉड करते हैं। आपके उस डेटा को किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से जो है परचेज करते हैं और आपको अलग अलग तरह के स्कीम और ऑफर जो है प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको हमारी तरफ से बहुत ही कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिलेगा, आपको हमारी तरफ से बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है लोन दिया जाएगा, और अगर आपको इमीडिएट पैसों की ज़रूरत है तो बस कुछ मैंडेट जो है आपको साइन करने होंगे, फुलफ़िल करने होंगे, और आपको हमारी तरफ से इंस्टेंट पर्सनल लोन जो है दिया जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो कि समझते हैं और जानते हैं, और ऐसे करने से वो जो है इन सारे ऑफर्स और स्कीम को इग्नोर करते हैं। वहीं पे मेरे ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो कि बहुत ही कम नॉलेजेबल हैं और उन वो सब इन चक्करों में जो है पड़ जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोन प्रोवाइडर के फ्रॉड के चक्कर में जो है पड़ जाते हैं ऑनलाइन, जहाँ पे वो पेमेंट पहले कर देते हैं, उसके बाद उनको कोई भी लोन वहाँ से देखने के लिए नहीं मिलता है। अब दोस्तों, आपके साथ ये फ्रॉड कैसे होता है? आपके उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है, आपको अलग अलग ऑफर्स और स्कीम प्रोवाइड किए जाते हैं, और अगर आप उनके चक्कर में पड़ते हैं तो आपके साथ जो है पहले प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर आपसे ठगी की जाती है, यानी कि आपको लिए लोन बड़ा से बड़ा जो है अप्रूवल आपको दिखाया जाता है आपके बस कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट के ऊपर, और आपको लोन जो है बड़ा यहाँ से मिलने वाला है ये समझ के आप जो है वहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज जो है ज़्यादा से ज़्यादा पे करते हैं, और बस आप जैसे ही आपने वहाँ पे किया प्रोसेसिंग चार्ज, आपको वहाँ से कभी भी जो है लोन नहीं मिलने वाला है। तो इसे जो है कह सकते हैं आप ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे इससे बचने के लिए मैं आपसे कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपको इनिशियल छोटा सा अमाउंट लोन में चाहिए तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि आपको वाकई में जो है लोन प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में जो है ये सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करता हूँ, आपको अगर आपको बड़ा जो है लोन चाहिए, यानी कि अगर आपको 25,000 से बड़ा अगर लोन चाहिए, तो आपको यहाँ पर अपना इनकम प्रूफ जो है ज़रूर शो करना होगा अपने किसी भी लोन प्रोवाइडर में जब जहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि लोन प्रोवाइडर आपके इनकम के बेस पे ही आपको लोन प्रोवाइड करता है, ताकि उसको ये अंदाज़ा होता है कि जो लोन हम इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो सूद समेत जो है हमें रिटर्न भी जो है मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट भी देने होते हैं, जैसे कि आईडी एड्रेस प्रूफ, आपका इनकम प्रूफ और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट करने होते हैं। अब दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देना होगा अगर आपको कुछ हैवी अमाउंट जो है लोन में चाहिए, और अगर आप लोन एप्लीकेशन में ट्राई करते हैं किसी भी अननोन एप्लीकेशन और वेबसाइट के अंदर, तो उन सारे लोन एप्लीकेशन और वेबसाइट को कम्प्लीटली स्टडी कर लीजिए। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे जरिए हैं जहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि वो लोन एप्लीकेशन आपको वाकई में लोन प्रोवाइड करेगा या फिर आपको जो है फ्रॉड जो है आपसे होने वाला है इन फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए अगर आप ऑनलाइन इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।